News 18, India. और अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई मिल रही सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के दो बड़े सहयोगी, जिसमें शामिल है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अब इनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। ये सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है। अलग अलग चुनाव लड़ेंगे दोनों दल। अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पहले भी यही माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग पर एक फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले जानकारी मिली कि कांग्रेस 23 सीटें मांग रही है, अखिलेश यादव 10 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। और क्या अब कई दौर की बातचीत इतनी निर्णायक नहीं साबित हो पाई? क्या आखिर में यह फैसला लेना पड़ा कि अब अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा? यही जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान अब ये दोनों पार्टियां, दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि 80 सीटों वाला ये उत्तर प्रदेश है। समाजवादी पार्टी, जो एक बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर है, अब ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगी लोकसभा का। और चुनाव तो साथ नहीं लड़ेंगे, इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करेगी तो उसमें भी अखिलेश यादव दिखाई नहीं देने वाले। दो सहयोगी न्यूज 18 इंडिया के इस वक्त जुड़े हुए हैं, अरुण भी है, अमित सिंह को भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अमित, तो न्याय यात्रा तो पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश, अब इसमें अखिलेश यादव का दिखाई देना नहीं दिखाई देना वो तो एक बात है, ये तो शुरुआत हुई है और वहीं पर फूट पड़ गई। देखिए, रायबरेली में अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना था राहुल गांधी के, लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी है, 17 सीटों का डिमांड था, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी पे कोई जवाब नहीं आया, तो जाहिर तौर पर अब अखिलेश यादव जो है रायबरेली के जो न्याय यात्रा है वहाँ नहीं जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ में पहुँचेगी राहुल गांधी की यात्रा, तो उस दौरान भी वहाँ पर वो नहीं होंगे। हमारे सोर्सेस ये साफ तरीके से ये बता रहे हैं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उस पर भी नहीं बातचीत हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये भी हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अब जो यूपी में इंडी गठबंधन था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, ये आगे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव जो बहुत पहले ऐलान कर चुके थे कि न्याय यात्रा में रायबरेली में शामिल होंगे, वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो सीट शेयरिंग पे लगातार जो मनमुटाव हम देख पा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि 11 का फॉर्मूला क्या है, 17 सीटें चाहिए, 17 का फॉर्मूला क्या है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, तो जाहिर तौर पे सीट शेयरिंग पे अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है और इसलिए अखिलेश यादव जो है राहुल गांधी के न्याय यात्रा में शामिल होते नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए, अरुण भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, उत्तर प्रदेश इसीलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें वहीं पर है। ओपी राजभर का मुझे बयान भी याद आ रहा है, जो पहले ही कह चुके थे कि आप देख लीजिएगा ये गठबंधन तो हो ही नहीं पाएगा, अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। उसी राह पर क्या ये इंडी गठबंधन जो पहले ही छिन्न भिन्न हो चुका है, अब क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी राह पर आगे बढ़ेगा और कौन सी पार्टी की मुश्किल इसके बाद बढ़ेगी, ये भी बताइए। देखिए, मुश्किल जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की बढ़नी है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होता है दोनों दलों के बीच में तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होगा, और यही एक वजह थी कि दोनों दलों को एक साथ आने पर दोनों को मजबूर होना पड़ा। ये जो बातचीत इतने दिनों से चल रही है किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन बातचीत एकदम खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, बातचीत अभी भी चल रही है। वजह क्या है, क्यों ये बातचीत रुकी है, मैं आपको बताता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 सीटों का ऑफर समाजवादी पार्टी का स्वीकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 नई सीटों को अपने पाले में लाने की बात कही अखिलेश यादव से। उसमें 3 सीटें थी, देवरिया, बहराइच और अमरोहा। समाजवादी पार्टी ने बहराइच को छोड़ के देवरिया और अमरोहा दोनों सीटें उनको देने की बात कही, लेकिन यह कहा गया कि 17 सीटों में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर 2 सीटें आपको छोड़नी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के इस ऑफर पर कांग्रेस ने कहा नहीं, ये 17+2 आप दे दीजिए, 19 दे दीजिए। लेकिन मुश्किल कहां फंसी, मुश्किल ये फंसी है कि मुरादाबाद और रामपुर 2 ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटें। समाजवादी पार्टी कह रही है हम अपने सांसदों को का टिकट काट करके कांग्रेस को कैसे दे सकते हैं, और इसमें भूमिका आई प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी के जो खास सिपहसालार हैं, चूंकि उनकी ससुराल मुरादाबाद में है, रॉबर्ट वाड्रा वहां से आते हैं, तो प्रियंका गांधी के कैंप से कहा गया कि रामपुर और मुरादाबाद दोनों सीटें चाहिए, यानी 17-2, 19-2, 21।
और यहीं पर बातचीत फंसी है। समाजवादी पार्टी 17 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और रामपुर और मुरादाबाद भी देने को तैयार नहीं है, तो बातचीत फिलहाल बंद है। अब कांग्रेस को यह बताना है कि वो किन बातों पर मानेगी, किस पर नहीं मानेगी। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल अपनी तरफ से बातचीत ये रोक दी है।